भारतीय मोदी सेना सामाजिक संगठन द्वारा सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बताया गया कि महंत स्वामी राजवीर देव महाराज मीरगंज स्थित बिटौली नगला आश्रम और मंदिर में पुजारी हैं। आश्रम के परिसर और जगह पर ग्राम प्रधान द्वारा अन्नपूर्णा गोदाम बनाया जा रहा था। इसको लेकर महंत ने ग्रामवासियों के साथ बीती 4 जनवरी 2024 को मीरगंज तहसील परिसर में रोष जाहिर किया था। इस पर लेखपाल धम्म मित्रा ने सरकारी कार्य में बाधा डालने के संबंध में महंत समेत 11 ग्रामवासियों के विरुद्ध फतेहगंज पश्चिमी थाने में एक तहरीर दी थी। उसी दिन उप जिलाधिकारी देश दीपक सिंह द्वारा इस धरने को 3 शर्तों को देकर समाप्त करवा दिया गया था, जिसमें आश्रम की जगह छोड़ने, आश्रम को राजस्व के अभिलेखों में शामिल करने और लेखपाल द्वारा लिखवाए गए मुकदमे में कोई कार्रवाई न होने की बात कही गई थी, लेकिन इन शर्तों को कभी पूरा नहीं किया गया। इसको लेकर ही जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए मामले में न्याय की मांग की गई है। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम है महंत स्वामी राजवीर देव, धर्म प्रचारक, विश्व हिंदू महासंघ में वृत क्षेत्र विस्तारक हूँ। मैं वैसे जन्मभूमि मेरी शाहजहांपुर की है, पर इस समय रह रहा हूँ बिटौली नगला धनेटा फाटक मीरगंज बरेली में। मामला ये है कि हमारे आश्रम में अन्नपूर्णा गोदाम बन रही थी पिछली जनवरी में, 4 जनवरी को, तो हमने धरना दिया था। उसके बाद में 6:30 बजे शाम को जो उप जिलाधिकारी देश दीपक हैं उनके द्वारा वो धरना हमने समाप्त कर दिया था। तो उन्होंने कहा था कि जो लेखपाल ने तहरीर दी है आपके और आपके शिष्यों के 11 के खिलाफ, उसमें कार्रवाई नहीं होगी। अब आपकी जो शेष जगह है अन्नपूर्णा गोदाम से जो बचेगी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और आश्रम का सौंदर्यीकरण करवा दिया जाएगा। पर इन तीनों कामों में एक भी काम नहीं सौंदर्यीकरण हुआ, कोई बात नहीं है। पर ये मुकदमा जो मेरे ऊपर जो जारी करवा दिया, मैंने मांगे ये थी उस समय कि हमारे आश्रम को छोड़ दिया अन्नपूर्णा गोदाम ना बने। तो एसडीएम महोदय ने ये कहा था कि आप या तो जितना उसे पैसा लगा है वो पैसा दे दीजिए और नहीं तो बन जाने दीजिए। तो हमने पैसा था नहीं तो बन जाने दीजिए। हमने ठीक भाई बना लो जी, जो हमारी जगह बच्चे आश्रम की जो छोड़ दो। तो कहने का मतलब ये मामला वहीं पे शांत हो गया था। उसके बाद में लेखपाल जो धम्म मित्र है उन्होंने अभी तक सहमति पत्र नहीं दिया। तो अभी हमें 14 नवम्बर को कोर्ट के द्वारा सिविल के द्वारा नोटिस मिला है। तब हम 15-20 महात्मा आ रहे थे 5 तारीख को यहाँ धरना के लिए। तो हमारे एसपी महोदय ने हमको वहीं पर झुमका चौराहे पर जो उनका ऑफिस है, सीओ ऑफिस है, वहां बुला लिया। हमको आश्वासन दिया कि हम आपके बाद जिलाधिकारी के पास रखेंगे और वहां से आपका निर्धारण करवा देंगे। धम्म मित्रा अभी तक जब सहमति पत्र देने नहीं आई तो बताओ कैसे निपट जाएगा। कहने का मतलब है जो कर्मचारी अधिकारी उसको ना बुलाया जाए। हमको फिर अभी महोदय ने यहाँ बोल दिया कि एसडीएम के पास जाओ का मीरगंज, मैं नहीं जाऊंगा, उसको यहाँ बुलाया जाए धम्म मित्रा को, क्योंकि उसके द्वारा ये हमको अपराधी बनाया गया है। मेरी मांग है जब तक यहाँ से उसे नहीं बुलाया जाएगा, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक ना मैं जाऊंगा। अगर हम दोषी हैं तो हमको हथकड़ी डाल के जेल भेजा जाए या मेरा इनकाउंटर करवाया, क्यों? हम अपराधी हैं, भूमाफिया है, बलात्कारी है, प्रशासन हमें, मीरगंज प्रशासन हमको दोषी बना रहा है। तो आप यहाँ अनशन पे बैठे हैं? जी हाँ जी, हम अनशन पे बैठे हुए हैं। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक बैठा रहूंगा।